नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो Xiaomi ने आज इंडिया में अपना पहला स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है Amazfit Bip S, जो कि लॉन्च हुआ है 5,000 रुपए पे, और ये बहुत ही जल्द Amazon और ऑफलाइन स्टोर में भी मिलना शुरू हो जाएगा। और 4,000 रुपए पे Realme की तरफ से भी एक स्मार्ट वॉच आता है, जो कि बस 2 हफ्ते पहले ही लॉन्च हुआ था। तो इस वीडियो में मैं आपको ये जो Realme और ये जो Xiaomi दोनों कंपनी की तरफ से जो स्मार्ट वॉच, इसके क्विक कंपेरिजन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि अगर आप एक स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते, अगर आपका बजट 4,000 से 5,000 रुपए है, तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात का। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो एक स्मार्ट वॉच का सबसे मेन चीज होता है इसका डिस्प्ले, इसलिए इसका कंपैरिजन हम शुरू करेंगे इसका डिस्प्ले को लेके। Realme वॉच में हमें मिलता है 1.4 इंच LCD डिस्प्ले। इसका रेजोल्यूशन है 320x320 पिक्सल्स। इसमें 323 पिक्सल पर इंच मिलता है और इसमें गोइला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। अगर हम Amazfit Bip S की बात करें, तो आप देख ही सकते हैं इसका ओवरऑल साइज थोड़ा सा छोटा है, 1.28 इंच, और इसमें जो डिस्प्ले क्वालिटी वो पिछले जनरेशन का TFT क्वालिटी का है, और इसका रेजोल्यूशन भी लो है, जो कि है 176x176 पिक्सल्स, और इसमें 194 PPI मतलब पिक्सल पर इंच मिलता है, और इसमें भी गोइला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। तो इसका मतलब अगर मैं ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी और आउटडोर विजिबिलिटी की बात करूँ, तो इस मामले में Realme वॉच बेटर है। तो दोनों ही वॉच में हमें हार्ट रेट सेंसर, कैलोरी मीटर, एक्टिविटी मीटर, डिस्टेंस मीटर, स्टेप्स मीटर, एक्सेलेरोमीटर और ब्लड ऑक्सीजन सेंसर मिलता है। अगर दोनों ही स्मार्ट वॉच के कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो Realme वॉच का ओवरऑल वेट है 33 ग्राम, Amazfit Bip S का ओवरऑल वेट है 31 ग्राम। Realme वॉच में हमें 14 स्पोर्ट्स मोड मिलता है, उसमें से एक स्पेशल क्रिकेट मोड भी है, और Amazfit पे हमें मिलता है 10 स्पोर्ट्स मोड। दोनों ही स्मार्ट वॉच में हमें IP68 रेटिंग मिलता है, और दोनों पे ही ब्लूटूथ 5.0 का फीचर हमें मिलता है। लेकिन अगर और कुछ कनेक्टिविटी की बात करें, तो इसमें Amazfit थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि Realme वॉच में हमें GPS, GLONASS और Gyroscope तीनों का फीचर नहीं मिलता, लेकिन Amazfit में हमें GPS, GLONASS और Gyroscope तीनों का फीचर मिलता है। और अगर दोनों स्मार्ट वॉच के बैटरी लाइफ की बात करते हैं, तो Realme वॉच में हमें मिलता है 160mAh बैटरी, और Amazfit में हमें मिलता है 200mAh बैटरी। और Realme का कहना है कि अगर हार्ट रेट सेंसर 24 घंटे ऑन रहता है, तो भी Realme वॉच का बैटरी हमें 20 दिन तक लगातार बैटरी लाइफ देगा। और अगर हम Amazfit की बात करें, तो Xiaomi की तरफ से कहना है कि अगर हार्ट रेट सेंसर ऑन रहता है, तो Amazfit हमें लगभग 30 डेज के आसपास बैटरी लाइफ देगा। मतलब हम कह सकते हैं Amazfit हर 2 महीने पे हमें 2 बार चार्ज करना पड़ेगा, और Realme हर 2 महीने पे हमें 3 बार चार्ज करना पड़ेगा। और अगर इसके फाइनल कॉन्फिगरेशन की बात करें, तो Realme स्मार्ट वॉच हमें मिलता है 4,000 रुपए पे, और Amazfit Bip S हमें मिलता है 5,000 रुपए पे। अगर हम Realme के साथ जाते, तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। हमें मिलता है बेटर डिस्प्ले क्वालिटी और बेटर मोड्स। और अगर हम Amazfit Bip S के साथ जाते हैं, तो हमें मिलता है बेटर कनेक्टिविटी और बेटर बैटरी क्वालिटी। तो अब मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा। तो अगर मैं एक स्मार्ट वॉच खरीदने जाऊँ, तो मैं सबसे पहले 3 चीज देखूंगा। पहला, इसका डिस्प्ले क्वालिटी, दूसरा बैटरी लाइफ, और तीसरा इसमें हम कौन कौन से स्मार्ट फीचर यूज कर सकते हैं। अगर मैं डिस्प्ले और बैटरी लाइफ के बारे में बात करूं, तो इसमें से मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है इसका डिस्प्ले। देखिए, Realme का स्मार्ट वॉच हर 20 दिन पे बस एक बार चार्ज करना पड़ेगा, और Xiaomi का हर 30 दिन में एक बार चार्ज करना पड़ेगा। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम डिस्प्ले की बात करें, जो कि हम 24 घंटे में लगभग हर वक्त इस्तेमाल करेंगे इसके डिस्प्ले को, तो ऑब्वियसली इसका डिस्प्ले मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है। क्योंकि अगर एक स्मार्ट वॉच का डिस्प्ले क्वालिटी मतलब डिस्प्ले रेजोल्यूशन अच्छा होता है, तो जब आप उस स्मार्ट वॉच को पहन के बाहर मतलब घर के बाहर निकलेंगे, तो उसका आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छा होगा। इस मामले में भी Realme बेटर है। इसीलिए अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, हो सकता है कि Amazfit में GPS का फीचर मिलता है, बेटर बैटरी भी मिलता है, लेकिन क्योंकि Realme वॉच का डिस्प्ले क्वालिटी बेटर है, और जो कि मेरे ख्याल से एक स्मार्ट वॉच का सबसे मेन फीचर होता है, इसीलिए मैं Amazfit के बदले में Realme स्मार्ट वॉच को चुनना चाहूंगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपका बजट 4,000 से 5,000 रुपए और अगर आप एक बढ़िया स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते, तो आप कौन सा लेना चाहेंगे, Realme या फिर Xiaomi। वैसे एक चीज कह दूं, दोनों ही बहुत ही बढ़िया है। अगर Xiaomi का प्राइस थोड़ा सा कम, एटलीस्ट 500 रुपए कम होता, मतलब 4,500 रुपए में बिकता, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट होता। तो आज का वीडियो तक उम्मीद है एक क्विक कंपैरिजन आपको पसंद आएगा। फ्यूचर में मैं और ऐसे बहुत सारे क्विक कंपैरिजन बनाऊंगा, तो इसलिए गैजेट चैनल पे बने रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।